फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा में जन जागरण अभियान में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से खास बातचीत में कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब और भारतीय जनता पार्टी के मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल में किसानों की 70,000 एकड़ जमीन हड़पने का हिसाब दे तो वहीं नॉन स्टॉप हरियाणा पर कहा कि फिलहाल हरियाणा क्राइम में नॉन स्टॉप है। फरीदाबाद में भी क्राइम के कई मामले सामने आए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कल इंसो का स्थापना दिवस है, उसमें डॉक्टर अजय चौटाला युवाओं के लिए कई घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में साढ़े चार साल रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि किसानों के लिए उन्होंने काफी काम किए। किसानों के खाते में 2 दिन में पैसा भेजने का काम उनकी तरफ से किया गया। जनसंपर्क अभियान शुरू किए गए हैं। पार्टी का पूरे प्रदेश भर में जन जागरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और प्रथला को फरीदाबाद जिले के प्राथमिक विधानसभा क्षेत्रों में हम लेकर चल रहे हैं और मैं मानता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर मजबूती के साथ प्रथला विधानसभा जननायक जनता पार्टी जीत रहे हैं। टिकटों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है, कब तक पूरी टिकट? अभी तो बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ अभी तो जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उन पर भी विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई शुरू। क्या गठबंधन की अभी भी कोई गुंजाइश है कहीं किसी पार्टी से? अभी तो हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ हुई है और अगले 7-8 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है हल्का अध्यक्ष तक हम नियुक्ति पूरी कर दें और हल्का अध्यक्ष की नियुक्तियों के साथ साथ फिर संगठन का जो और विस्तार है वो भी करें। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 75-70 बार का नारा दे रही हैं, आपने भी कोई नारा दिया है? मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि इस बार प्रदेश के अंदर युवा सरकार हम बनाएंगे और युवा सरकार का नेतृत्व प्रदेश के युवा का। कुछ कमी रह गई तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे एक बार कांग्रेस? अभी तो बहुत बहुत जल्दी है, हम तो इस तरह की बात भी नहीं सोचते। हमारा काम तो यही है कि मेहनत करके पूर्ण तौर पर जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में 2024 में जमुना पार किसको भेजने की तैयारी? आप बता दें, आप बताएंगे पिछली बार बीजेपी को थी। मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को जगह देने का काम करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज़ कैसे मजबूत हो, बारी बारी दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े, इसके प्रति हरियाणा वोट। दूसरे पार्टियों के नेताओं के भी क्या टिकट दी जा सकती है जेजेपी द्वारा? अभी ये कहना बहुत जल्दी। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत दीपेंद्र हुड्डा की रैली होने वाली है, 70,000 एकड़ जो उनके सशासन के अंदर किसान की जमीन को लूटा गया और उसका सबसे बड़ा उदाहरण BPTP है, उसका हिसाब दे दे हरियाणा की जनता को। थैंक यू।